राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए खिलचीपुर के निजी स्कूल के संचालक जुल्फिकार खान के नेतृत्व में महात्मा गांधी स्मृति पद यात्रा का शुभारंभ नगर के भोजपुर नाके से हुआ। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष रफीउल्ला खान ने सभी पद यात्रियों का पुष्पहारों से स्वागत किया। वहीं इस दौरान नगर के अनेक स्थानों पर पद यात्रियों का लोगों ने पुष्पहारों से गर्मजोशी से स्वागत किया। पॉलीथीन मुक्त भारत, अधिक से अधिक पैदल चलने का संदेश देती पद यात्रा 28 अक्टूबर से खिलचीपुर से जुल्फिकार खान के नेतृत्व में प्रातः 8 बजे से निकाली गई। इस पद यात्रा में 20 से अधिक युवक शामिल हैं। 150 किलोमीटर की पद यात्रा में मुख्य संदेश यह है कि लोग आपस में एकता और भाईचारे से रहे ताकि देश फिर से विश्व गुरु बन सके। यात्रा के दौरान पॉलीथीन से हो रहे नुकसान से भी लोगों को अवगत कराया। वहीं इस दौरान पर्यावरण का संदेश भी दिया जाएगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहला उद्देश्य है महात्मा गांधी के जीवन को लोगों उनके विचारों से प्रेरित होकर अपना जीवन में जान लो पन्नियों का जो है नुकसान करती है उनका पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसके अलावा व्यक्ति अधिक से अधिक पैदल चले ताकि वह स्वस्थ रहे और पर्यावरण को भी नुकसान हो, नुकसान से बचा जाए, पर्यावरण के नुकसान से हो सके। और ये सड़क से अपन देखते हैं बहुत जीव गायें बैठी रहती खासतौर से, तो उनके प्रति भी जागरूकता पैदा करना ताकि उनकी भी हिफाजत हो सके, दुर्घटना से बच सके, उनकी हिफाजत हो सके। ऐसे अन्य उद्देश्य हैं और आपस में भाईचारा प्रेम भाव देखिए आप इस यात्रा में सभी समाज के सभी धर्म के लोग भाग हैं। और गांधी जी का सपना यही तो था, वो सपना साकार हो रहा है। बहुत बड़ी ईश्वर कृपा है। जोरदार ताली। बहुत छोटा आदमी हूँ सिर्फ, ये आप ना समझना मेरे में जुड़े हैं लोग भाग, ये सब गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर जुड़े हैं लोग भाग। कितने किलोमीटर की पद यात्रा है? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है, तो 150वीं वर्षगांठ के ऊपर में हमने 150 किलोमीटर का अंदाज लगाया है कि भोपाल लगभग 150 किलोमीटर पड़ गया। और ये यात्रा पूर्णतः गांधी जी को समर्पित है 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। कितने दिनों की यात्रा है? 5 दिवसीय यात्रा है। दो ईश्वर ने चाहा तो हम 2 अक्टूबर को भोपाल में यात्रा का समापन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।